हिमाचल की बेटी ने टीवी जगत में बड़ा नाम कमाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मंडी जिला से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस चांदनी शर्मा को बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चांदनी को दादा साहेब फाल्के टीवी अवार्ड से नवाजा गया है। मुंबई के सेंटा क्रूज स्थित ताज होटल में हुए अवार्ड शो में उन्हें ये सम्मान मिला। कार्यक्रम में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने लोग भी मौजूद रहे। गौहर में बेटी को मिले सम्मान की खुशी में जश्न का माहौल है। परिवार भी खुशी से फूला नहीं समा रहा। हर तरफ चांदनी शर्मा की तारीफ की जा रही है। सोनी टीवी के कामना सीरियल में बेहतरीन अदाकारी करने वाली चांदनी मंडी जिला के गांव गौहर की रहने वाली हैं। चांदनी के अब तक के सफर की बात करें तो एक्ट्रेस ने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत नेटवर्किंग से की थी। 2014 में उन्हें इंडियन प्रिंसेस के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद उन्हें मिस टूरिज्म इंटरनेशनल प्रतियोगिता में ड्रीम गर्ल ऑफ द ईयर इंटरनेशनल 2015 के टाइटल से सम्मानित किया गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक वे नेटवर्किंग उद्योग में सक्रिय रहीं। वर्ष 2018 में चांदनी ने अपना एक्टिंग डेब्यू पंजाबी म्यूजिक नखरे द मूल से किया। इस एल्बम को गुरपिंदर पनाग ने कंपोज किया था। इस एल्बम के बाद वो अनेक पंजाबी एल्बम में नजर आईं। 2019 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू डार्क लाइट से किया। इस फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। 2020 में चांदनी ने टेलीविज़न इंडस्ट्री में डेब्यू सीरियल इश्क में मरजावा 2 से किया। कामना में लीड एक्ट्रेस के तौर पर वो टीवी इंडस्ट्री में छा गईं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।